नितिन गडकरी के दूरदर्शी विकास के विजन के तहत नागपुर शहर की सड़कों और उद्यानों को और विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र भी शामिल होना चाहिए। उसी के तहत शिक्षा के क्षेत्र में विकास के दृष्टि से महापौर दयाशंकर तिवारी की अवधारणा से और पहले से एक अत्याधुनिक ई लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। ऐसी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा आयोजित पत्र परिषद में दी गई। गीतांजलि चौक गांधीबाग में नागपुर नगर निगम द्वारा सुसज्जित अत्याधुनिक अद्यावत ई लाइब्रेरी अवधारणा यह है कि यहाँ के छात्रों को अध्ययन और प्रतियोगिता में रुचि बढ़े। ई लाइब्रेरी का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भविष्य में बुद्धिमान छात्र ई लाइब्रेरी से निर्माण हो, यही अवधारणा आई और इसे साकार किया गया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ई लाइब्रेरी की अवधारणा ब्रिटिश ई लाइब्रेरी पर आधारित है। पुस्तकालय भवन में 3 मंजिल है और पूरी इमारत वातानुकूलित है। इसके साथ ही पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। भवन के भूतल पर पार्किंग की सुविधा रहेगी। विशाल सभागार, अत्याधुनिक तकनीक के साथ 2 मंजिल पर लाइब्रेरी, विकलांगों के लिए सुविधाजनक विभिन्न सॉफ्टवेयर पर आधारित रीडिंग रूम, कंप्यूटर, प्रिंटर, लॉकर, 3 मंजिल पर छात्रों के लिए अलग कंप्यूटर रूम, इंटरनेट की सुविधा होगी। लाइब्रेरी की छत पर 16 पैनल लगे होंगे और पूरे भवन के लिए आवश्यक ऊर्जा पैनल के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। यह अत्याधुनिक और वातानुकूलित पुस्तकालय आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के साथ साथ प्रतिभाशाली छात्रों को लाभ मिल सके, इसलिए पुस्तकालय का शुल्क नाम मात्र का होगा। इस भवन के वास्तुकार प्रशांत सातपुते हैं। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इनके स्मृति में इस ई लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। यहाँ महानगर पालिका की पुरातन स्कूल थी जो बंद होने के बाद इस वास्तु का उपयोग शिक्षा के विकास के दृष्टि से ई लाइब्रेरी के रूप में किया गया है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में 75 लोगों के बैठने का ऑडिटोरियम होगा, जिस ऑडिटोरियम के माध्यम से यहाँ वर्कशॉप, सिंपोजियम और गेस्ट लेक्चर के माध्यम से लोग अपनी शिक्षण को आगे और उन्नत कर सकेंगे, इस प्रकार का नियोजन है। फर्स्ट फ्लोर में सारी बुक्स रहेंगे और ये बुक्स जो रहेगी RFID कोड से संलग्न रहेगी, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाला व्यक्ति यहीं बैठकर के पुस्तक पढ़ सकेगा और अगर उस पुस्तक बाहर ले जाना है तो ऑफिशियल वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के ही पुस्तक ले जा सकेगा। यहाँ किसी प्रकार की चोरी चकारी या किताब के पन्ने फाड़ने वाली हरकत नहीं हो सकेगी, इस प्रकार के सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ इस लाइब्रेरी में एक बुक स्कैनर लगा होगा, जहाँ आकर के आप संपूर्ण बुक का स्कैन करके उसका PDF बना करके अपने साथ लेकर के जा सकेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था भी इस लाइब्रेरी के माध्यम से की गई है। पत्र परिषद में उप महापौर मनीषा धावड़े, शिक्षा समिति सभापति दिलीप दिवे, स्थापत्य समिति सभापति राजेंद्र सोनकुसरे, गांधीबाग जोन के सभापति श्रद्धा पाठक, ज्येष्ठ नगर सेवक एडवोकेट संजय बाल पांडे और नगर सेविका सरला नायक उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।